नमस्कार। आज नागार्जुन जी की एक कविता पढ़ने जा रहा हूं, थकित चकित भ्रमित भग्न मन। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बुढ़ापे में धार्मिक हो जाते हैं। नागार्जुन नास्तिक थे, पर उन्हें भी कभी कभी खुद के ऊपर ये शक होता था कि कहीं वो भी बुढ़ापे में धार्मिक तो नहीं हो जाएंगे। ये मेरा मैसेज टोन था। खैर, तो ये कविता जो है उनकी इसी आशंका को दर्शाती है। थकित चकित भ्रमित भग्न मन को स्फूर्ति देता है किसी समर्थ का सहारा। तो क्या मुझे भी प्रभु की सत्ता स्वीकारनी होगी? तो क्या मुझे भी आस्थिक बन जाना होगा? सुख सुविधा और ऐश आराम के साधन डाल देते हैं दरार प्रखर नास्तिक भित में। बड़ा ही मादक होता है यथास्थिति का शहद, बड़ी ही मीठी होती है गतानुगतिका की संजीवनी। धर्म भीरु पारंपरिक जन समुदायों की बूंद बूंद संचित श्रद्धा के सौ सौ भांड जमा है, जमा होते रहेंगे मठों के अंदर। तो क्या मुझे भी बुढ़ापे में पुष्टई के लिए वापस नहीं जाना है किसी मठ के अंदर? धन्यवाद।